जी पूछिए, पहले मुझसे बैक क्वेश्चंस पूछ लीजिए जो भी हैं। कर लिए ना सबने बैक क्वेश्चंस? हाँ जी पूछिए। हाँ बताइए शान्या, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, या करे नहीं? क्वेश्चन नंबर 26, 26 से पहले कोई परेशान है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं डेफर्ड इनकम, मतलब समझ नहीं आ रहा। डेफर्ड का मतलब होता है जो बाद में लेंगे। एक इनकम इमीडिएट लूंगा, एक डेफर्ड है। डेफर्ड इनकम का मतलब होता है जो पोस्टपोन की जाए। तो डेफर्ड हम कब करते हैं? जब हम शेयर होल्डर से कहते हैं कि आप ना इसे पैसे को बाद में लीजिएगा। कंपनीज क्या करती हैं, रिटेन कर लेती हैं इनकम। एक सेकेंड, हेलो। जब कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाती है तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो डिविडेंड के रूप में बांट दे या फिर उस पैसे को रोक ले। तो अगर वो शेयर होल्डर से कहती है कि हम पैसा रोक रहे हैं और आपका आपको इसका फायदा बाद में मिलेगा, हम इसे इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी और तरक्की करेगी, तो दैट इनकम इज नोन एज डेफर्ड इनकम। और जब कैश इमीडिएटली बांट लिया जाता है तो दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा था? अ पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स पेड आउट, पेड पेड हो गया तो इट इज डिविडेंड, और अगर ये रिटेन्ड हो जाता तो डेफर्ड इनकम होता। क्वेश्चन 26 पूछा है एक बच्चे ने मुझसे। 26 अच्छा क्वेश्चन है। टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इन अ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। पहले मैं इन चारों का मतलब बताता हूं, फिर आप बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है ए और बी मिले एक काम करने के लिए, और उसके बाद उस काम को वो जो है जैसे वो काम खत्म होगा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ए और बी मिले एक बिल्डिंग बनाने के लिए, ये बिल्डिंग बनाएंगे बेचेंगे और उसके बाद ए और बी का आपस में कोई मतलब नहीं है। दिस इज ज्वाइंट वेंचर। एक्विजिशन क्या होता है? ए ने बी के बिजनेस के इतने शेयर्स खरीद लिए जिससे बी कंट्रोल हो जाए, यानी बी जब चलेगा तो बी की डिसीजन मेकिंग में ए का रोल है, तो दैट इज नोन एज एक्विजिशन। पार्टनरशिप क्या है? ए और बी मिले दो इंडिविजुअल। पार्टनरशिप में क्या है? दो इंडिविजुअल मिले बिजनेस करने के लिए। ज्वाइंट वेंचर में भी दो लोग मिल रहे थे बट ये बिजनेस करने के लिए नहीं मिल रहे थे। ये पर्टिकुलर एक्ट खत्म करेंगे और उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। बिजनेस वो होता है जो गोइंग कंसर्न चलता रहे। तो प्लीज ज्वाइंट वेंचर में ए और बी मिले, एक पर्टिकुलर काम किया, प्रॉफिट लिया, दोनों अलग हो गए। एक्विजिशन में ए ने बी के इतने शेयर्स ले लिए जिससे बी कंट्रोल हो जाए, बी की जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें ए का रोल हो। पार्टनरशिप ए और बी दो इंडिविजुअल्स मिले बिजनेस करने के लिए, नेचुरल पर्सन। और मर्जर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिले और ये दोनों कंपनियां खत्म हो गई और सी लिमिटेड बन गई। अब आप एक बात बताइए, आप स्टूडेंट्स का एक बिजनेस है और एक मेरा बिजनेस है, मैंने आपके साथ मर्जर करा, बताइए हम दोनों में अब किसका बिजनेस चलेगा, किसका नाम रहेगा मार्केट में? आपकी कंपनी एक अलग है, मेरी कंपनी अलग है। मेरी कंपनी का नाम है स्टूडेंट्स प्राइड और आपकी है स्टूडेंट्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स प्राइड और स्टूडेंट एजुकेशन मर्जर कर रहे हैं, बताइए हम दोनों में से किसका नाम रहेगा आगे मार्केट में? स्टूडेंट्स प्राइड या स्टूडेंट्स एजुकेशन, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और न्यू आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा हमें।
न्यू आइडेंटिटी, ये भी गए और हम लोगों ने पी निकाला, हमने कहा एस एस काट दो और पी निकाल दिया, प्राइड एजुकेशन। ठीक है, अब ये हुआ मर्जर। दूसरा, मैंने आपसे कहा ज्वाइंट वेंचर कर लो, इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हम कोई धंधा करना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर काम में प्रॉफिट कमा के अलग होना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स प्राइड, स्टूडेंट्स एजुकेशन, ये अपना एक बिजनेस कर रही है, ये अपना एक बिजनेस कर रही है, क्या आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा या ज्वाइंट वेंचर में आप एक पर्टिकुलर एक्ट में मेरे साथ आएंगी, केवल पर्टिकुलर, आप अपने बिजनेस चलाते रहिए, मैं अपने बिजनेस, आपकी आइडेंटिटी अलग रहेगी, मेरी अलग रहेगी, एक पर्टिकुलर एक्ट हम करेंगे, वहां से प्रॉफिट कमाएंगे, हट जाएंगे, क्या हम दोनों लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं अगर हम चलो बिजनेस बना करना चाहते हैं, कैन वी डू पार्टनरशिप, आप भी कंपनी हो मैं भी कंपनी हूं, दो कंपनी कभी पार्टनर, अभी कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, वहां कंपनी कभी पार्टनर नहीं होती, तो पार्टनरशिप हम कर ही नहीं सकते। अब जरा देखते हैं इनका क्वेश्चन क्या था और फिर आंसर पता करेंगे। When two or more companies come together to expand their business in a newly created entity, दो कंपनी है बिजनेस के लिए आ रहा है और दोनों खत्म होके एक नई कंपनी बन, एक नई आइडेंटिटी बनना चाहते हैं, बताइए, मर्जर। मर्जर एक्विजिशन में आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा, बस मैं कंट्रोल करूंगा, ज्वाइंट वेंचर में आप अपना बिजनेस अलग करोगे मैं अलग करूंगा, और एक बिजनेस के लिए हम साथ में मिलेंगे काम के लिए, पार्टनरशिप में कंपनीज कभी मिल नहीं सकते। किसने क्वेश्चन पूछा था ये मुझसे, प्लीज बताइए, शान्या, नाउ इट इज क्लियर, चलो वेरी गुड, और यस, कंजोरियम और ज्वाइंट वेंचर सेम है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। हाँ जी और बताइए, और क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस करें नहीं आप लोगों ने, आई वॉज थिंकिंग कि आज हम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कह रहे हैं, इनका क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के अपोजिट काम करता है, ऑब्वियसली डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए तभी आप शॉपिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं होना होगा तब आप शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं 1 लाख रुपए तक को यूज कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड में मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं पड़ा तो मैं यूज कर सकता हूँ, तो बोथ आर यूज डिफरेंटली, क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में क्या पड़ा उससे मतलब नहीं है, डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में क्या है केवल वो यूज होगा, कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड में दे विल नॉट कंसिडर व्हाट इज इन योर बैंक अकाउंट, वो तो क्रेडिट कार्ड में तो जो क्रेडिट लिमिट है उसको यूज करेंगे, जो बुक्स में लिमिट है जी, आपने पढ़ाई नहीं करी आप बच्चों ने, चलिए अब इसके हाँ पेज 6.10, अच्छा साहब 6.10 बड़ा ऊपर बचाया, यस डियर जी मैं आ गया, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपके, बताइए, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, हाँ ये छोड़ दिया था हमने, एक शेयर है 100 रुपए का, कंपनी ने कहा इस एक शेयर के टुकड़े कर दो, तो इसके 10 रुपए का कर 10 शेयर कर दिए 10 रुपए के, यानी जब हम किसी शेयर की फेस वैल्यू को कम करते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में उस शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, या फेस वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर घटा देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। तो अगर आपके पास एक शेयर है और कभी कंपनी कहती है हम आपके 10 कर रहे हैं स्टॉक स्प्लिट में, तो क्या आपको कोई फायदा होगा, कैश में कोई फायदा होगा, कंपनी ने क्या करा, नहीं, क्योंकि आपकी पहले भी वर्थ 100 रुपए थी और अब भी वर्थ 100 रुपए, कंपनी ने करा क्यों स्टॉक स्प्लिट, कई बार कंपनीज की मार्केट वैल्यू, जैसे एमआरएफ एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 66,000,
अब आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एमआरएफ बहुत ऊपर जाने वाला है, अब आप इसका एक शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप पे पैसे हैं 6,000 रुपए केवल, खरीद पाएंगे क्या, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं आ पाते ऐसी कंपनी में। तो एमआरएफ ने कहा कि भाई मैं अपने शेयर्स का स्प्लिट कर देता हूं और लगभग कर देता हूं 1,000, एक शेयर के 1,000 कर देता हूं, तो मेरे मार्केट प्राइस हो जाएगा शेयर का 660, और जिसपे एक शेयर है उसके शेयर हो जाएंगे 1,000। अब क्या होगा, मार्केट में 660 रुपए का शेयर हो गया। नाउ यू पीपल कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, दैट इज अप्रोचेबल। तो जब बहुत हैवी मार्केट वैल्यू हो जाती है तो अप्रोच से बाहर ना हो जाए इन्वेस्टर्स के, और फिर उसमें वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, तो इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती है। मैं पढ़ा देता हूँ। एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, शेयर्स की नंबर्स बढ़ाएंगे बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर, इट इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द अवेलेबल शेयर्स इन द मार्केट अवेलेबिलिटी, आपको अवेलेबल हो जाए शेयर मार्केट में, इसलिए किया है। 2:1, 3:1 कैसे भी कर सकते हैं, एक के बदले 3 मिलेंगे, एक के बदले 2 मिलेंगे। गॉट इट? और बताइए। जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन का मतलब समझते हैं आप लोग, कूपन क्या होता है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। बॉन्ड का मतलब एक सिक्योरिटी। मैं आपसे अगर 1,00,000 रुपए ले रहा हूं तो मैं आपको वादा करता हूं कि 1 साल बाद मैं आपको आपके 1,00,000 रुपए लौटा दूंगा, प्लस कुछ ब्याज दूंगा। उसके लिए मैं एक पेपर लिख कर दे देता हूं। जीरो कूपन बॉन्ड में मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे 1,00,000 रुपए लूंगा, 1 ही लाख लौटाऊंगा, ब्याज कुछ नहीं दूंगा। 1,00,000 रुपए के बॉन्ड दे रहा हूं, 1 साल बाद 1 ही लाख रुपए लौटाऊंगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो इट इज नोन एज जीरो कूपन। तो आदमी लेगा क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहता हूं मैं 1,00,000 रुपए के बॉन्ड आपको दे रहा हूं 80,000 रुपए में, डिस्काउंटेड है, हैवी डिस्काउंट। आप 1 साल बाद आके बॉन्ड दिखा के मुझसे 1 लाख ले जाना, इंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा, बीच में इंटरेस्ट कुछ मत मांगना। तो आई एम बाइंडिंग, मैं बाइंड हूं कितने रुपए देने के लिए आपको, 1,00,000 रुपए। इशू प्राइस क्या रखा मैंने, 80,000 रुपए, इंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा, तो इंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा तो जीरो कूपन हो गया। उसको फायदा क्या, उसको 1,00,000 रुपए इमीडिएट। अच्छा देखो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, 1 करोड़ रुपए लगा के 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे मुझे, मेरे पे 1 करोड़ रुपए नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मेरे बिजनेस में कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करूंगा, 3 करोड़ में मिल जाएगा, 1 करोड़ नहीं है। मैंने आप लोगों को यह बॉन्ड इशू कर दिया तो क्या हुआ, मेरे की कॉस्ट कितनी पड़ी, 20,000 अपॉन 80,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, 80,000 रुपए इंटू 100, 25% कॉस्ट पड़ी, और मुझे पैसा कितना मिल जाएगा, लगभग 2 करोड़ अपॉन 1 करोड़ इंटू 100, 200% की रिटर्न आ जाएगी। तो मुझे ऐसे ऐसा पैसा लेने में कोई नुकसान है क्या? तो जनरली लोन इसीलिए लिया जाता है, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, आपको ऐसा पैसा देने में मुझे कोई दिक्कत लग रही है? यू आर गेटिंग 25% रिटर्न, नहीं? तो हमेशा इसलिए लिया जाता है, मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 25% टू यू। तो मैं अगर आपको बॉन्ड इशू भी कर रहा हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जीरो कूपन बॉन्ड कहां है? जीरो कूपन। अब बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, अगर मेरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया। यस बताइए, और क्या डाउट है क्या? आवाज कट रही है आपकी, क्या पूछा आपने, एक बार टाइप कर दीजिए, एक बार दोबारा बोलिए। प्रांजल, किस पेज नंबर पे, पेज नंबर बोलिए जरा।
आवाज 6.10, 6.16, 6.16 पे क्वेरी पूछी है इन्होंने, देख लेते हैं। क्या है साहब? कैशियर्स चेक, ये पूछा है आपने? अच्छा, क्या होता है कैशियर चेक? क्या होता है जब बैंक को अपने लिए पैसा निकालना पड़े बैंक से, बैंक में लोगों का पैसा डिपॉजिट है, अगर बैंक को अपने लिए कोई पैसा विड्रॉ करना है तो उसे कैशियर चेक का यूज करना था। कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय बैंक ऑन इट्स ओन नेम। कैशियर को कहते हैं कि आप भी पैसा निकालेंगे तो अपना चेक लगाएंगे, यानी ये पैसा बैंक ने विड्रॉ किया है, वरना तो बाहर हो जाएगा ना, हाथ में रहा होता है पैसा उसके। तो कहते हैं कोई भी पैसा अगर बैंक अपने किसी खर्चे या किसी पर्सनल यूज में करेगी तो उसके लिए क्या यूज करेगी? जो कैशियर बैठा है उसे भी एक चेक यूज करना पड़ेगा और उसकी भी एंट्री होगी। ठीक है, टू मेक पेमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉर्पोरेशन और इवन इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना है बैंक ने कैश में, और उसके पास अगर चेक नहीं है, चेक बुक बैंक इशू नहीं कर पाया है इस समय उसे, तो भी कैशियर चेक के थ्रू हो जाता है। तो बैंक पहले अपने नाम में पैसा लेता है फिर उसे दे देता है, तो ये अकाउंटिंग होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब भी आप अपना चेक यूज करेंगे आपको डायरेक्ट पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पे चेक नहीं है तो आप कह सकते हैं कैशियर से आप अपना चेक यूज कर लीजिए, अपने नाम पैसे लिख लीजिए और मैं आपको दे दूंगा। या बैंक को अपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसे निकालने होते हैं तो वो कौन सा चेक यूज करता है? कैशियर चेक। कैशियर चेक का मतलब है बैंक अपने लिए अगर कभी पैसा निकालेगा, अपने नाम पे पैसा निकालेगा, तो भी उसे एक चेक यूज करना पड़ेगा। अब ना इसकी पहले तीन पेज की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि फिर आप लोगों की और कोई वो होगी क्लास। पहले तीन पेज क्या है, ये कह रहे हैं बिजनेस के मैनी फेसेट्स हैं, इसका मतलब पहलू, एक बिजनेस को अलग अलग पहलुओं से देखा जाता है। कोई जैसे मार्केटिंग वाले बंदे हैं वो देखते हैं बिजनेस क्या है, माल को बेचना। फाइनेंस वाले ये देखते हैं बिजनेस क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। एचआर वाले देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले, कि बिजनेस क्या है, एक अच्छा एम्प्लॉय बिजनेस में लाना और उस एम्प्लॉय को एसेट के रूप में क्रिएट करना, कि वैसा एम्प्लॉय किसी के पास ना हो। तो हर एक की नजर में, शेयर मार्केट वाले देखते हैं बिजनेस क्या है, अल्टीमेटली शेयर्स के प्राइस को ग्रो करना। तो हर एक की नजर बिजनेस पर अलग अलग होती है। तो इन्होंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग ये करी थी कि बिजनेस के पहलू अलग अलग है, टेक्निकल फेसेट है, कमर्शियल फेसेट है, फाइनेंशियल है, एचआर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। हर एक लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे टेक्निकल वाले क्या देखते हैं कि बिजनेस क्या है, रॉ मटेरियल खरीदना और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दिस इज बिजनेस। कोई अगर पूछे कि बिजनेस क्या है, तो कुल मिला के एक माल को खरीदना और खरीद के उस माल को, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसमें क्या क्या प्रोसेस यूज होगी, वो बिजनेस है। तो ये उन लोगों का है। तो यहां पे वो कहते हैं टेक्निकली बिजनेस मे बी व्यूड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ह्यूज मशीन वेयर इन इनपुट्स आर सब्जेक्ट टू द एंटायर प्रोसेस फॉर जनरेटिंग आउटपुट। ये भी बीसी के लेक्सिकन, मतलब बीसी के सब्जेक्ट का एक टर्म हो सकती है। तो इस निगाह से अगर आप देखेंगे तो आपको इस निगाह वाली टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग इसे कमर्शियल फेसेट्स के हिसाब से देखते हैं, मार्केटिंग वाले बिजनेस को किस निगाह से देखते हैं, उनके हिसाब से बिजनेस क्या है, एक माल को सही रेट पर ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ा के मार्केट में बेच देना। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों का पहलू है कि बिजनेस क्या है, मार्केटिंग, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फर्म्स रिलेशनशिप विद कस्टमर्स और मार्केट के साथ। तो इन लोगों, ये लोग किन टेक्नोलॉजी, जैसे अगर एक बिजनेस के कई लोग बैठे हो तो कहते हैं भाई ये अकाउंटिंग की बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो सीए साहब से पूछो। कुछ लोग कहते हैं यार ये मार्केटिंग की बात समझ में आ रही, मैं तो अकाउंटिंग वाला बंदा हूं। मैन्युफैक्चरिंग वाले कहते हैं मुझे आपकी बात समझ नहीं आती कि कस्टमर पे जाना, माल बेचना, भाई हम लोग तो यहां बैठ के
मशीनी कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर आदमी को क्या सारे एस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए या हर आदमी को अपनी रिलेटेड फील्ड की जानकारी होनी चाहिए बिजनेस में, बताइए मुझे। हर चीज की, अब जरा एक बात बताओ, हर चीज की जानकारी से क्या फायदा होगा? एक मार्केटिंग वाला है, वो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, मशीनें कैसे चल रही हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, और डिविडेंड कैसे बटेगा, और रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा, तो क्या माल बेच पाएगा वो? स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है, और लिस्टिंग कैसे होती है, सेबी कैसे बात करता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, वो तो फंस जाएगा। वो कहता है साहब मेरे लिए बिजनेस सिर्फ मार्केटिंग है, आई नीड टू नो ऑल द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मार्केट। टेक्निकल वाला कहता है मेरे हिसाब से सिर्फ बिजनेस मशीनीकरण है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कितना टेक्निकल तरीके से बनेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट इज बिजनेस। तो मुझे वो टर्मिनोलॉजी जाननी है। फाइनेंशियल वाले यानी हम लोग कहते हैं यार टैक्स क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, बैंक से कैसे लोन मिलेगा, ये सारी बातें हमें जाननी है। मार्केटिंग वाला कंपनी में अगर उससे पूछो भाई साहब अब ये बताओ कि जो है जीरो कूपन बॉन्ड ले या ये, वो कहेगा भाई साहब मुझे क्या पता, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो मैं तो बेच के आ जाऊंगा। तो जिन लोगों का जो फाइनेंस वाले हैं उन लोगों से कहा जाता है आप बिजनेस की फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी इतना अंडरस्टैंड करिए, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज बॉन्ड्स, व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड, व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, ये सब बातें आप अंडरस्टैंड करिए, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी। आपको लगता है मार्केटिंग वाले ये देखते होंगे कंपनी की बैलेंस शीट एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, या वो प्रोडक्ट को बेचने में दिमाग लगाते हैं? वो कह रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये वाले लोग कहते हैं हमारे हिसाब से जो बिजनेस है, जो बिजनेस में हमारा रोल है, हमें उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। एचआर वाले कहते हैं यार इंपॉर्टेंट है सही एम्प्लॉई लाओ वरना पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, एम्प्लॉई शुड बी द एसेट। इनफैक्ट एम्प्लॉई ही एसेट है, वो बात अलग है कि वो उसकी फाइनेंशियल वैल्यू दिखती नहीं है बैलेंस शीट में। तो हमें एचआर में कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे बंदे को लाना है, रिटेन क्या है, रिटेन कैसे करना है, एचआर से रिलेटेड सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो उस टर्म से रिलेटेड बिजनेस की बातें जानते हैं। तो कहते हैं बिजनेस के अलग अलग पहलू हैं, सारी जानकारी एक आदमी ना रखे, सारी जानकारी एक आदमी ना रखे, वो जिस एरिया से रिलेटेड बिजनेस को इंटरप्रेट कर रहा है उसको उतनी जानकारी होनी चाहिए। हाँ जो ओनर्स हैं क्या उन्हें थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एचआर वाले को बुला के अगर उसे डांटना है तो एचआर की टर्मिनोलॉजी तो क्लियर होनी चाहिए, उसे होनी चाहिए। अच्छा अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारी जानकारी क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आप में से काफी सारे लोग तो सीईओ और बड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुंचोगे ना, तो आपको अगर ऑडिट करना है एचआर में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एडवर्टाइजमेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, पब्लिसिटी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, और वहां पे कहीं पैसा एडवर्टाइजमेंट में एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू डू द ऑडिट। और हर जगह फाइनेंस जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए मशीन कितना आउटपुट दे रही है, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड्स कैसे इशू हो रहे हैं, तभी तो आप ऑडिट करोगे, क्योंकि पैसा हर एक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको तो सब पढ़ाया जा रहा है, बाकी जिसको जिस पहलू से देखना है बिजनेस उसे उतनी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने एक छोटी मोटी बात की, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं।